तो कांग्रेस की गाथाएं जो सुनाई जा रही है उस पर लोगों का भरोसा उठ जाएगा। उन्होंने पिछले 100 साल से देश में एक ऐसा झूठ फैलाया है कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही आजादी के आंदोलन में बलिदान देती थी, ब्यौरों के बलिदान को न स्वीकार करना चाहते हैं न सम्मान देना चाहते हैं। और इसीलिए 1857 के स्वतंत्र संग्राम के 150 वर्ष, देश के किसी भी जानकार कोने में जाके पूछो कुछ हुआ था, लोगों को मालूम नहीं है। आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, मुझे जवाब देंगे? जरा पूरी ताकत से बोलिए, जवाब देंगे? क्या ये शहीदों का अपमान नहीं है? क्या स्वतंत्र संग्राम का अपमान नहीं है? भाइयों बहनों, इस इलाके से मेरा बहुत सीधा नाता है, और सीधा नाता इस बात का है कि गुजरात के ही एक सपूत स्वामी दयानंद सरस्वती, उन्होंने इस भूमि को अपनी कर्म भूमि बनाया था। इस इलाके का कोई परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके दिल में स्वामी दयानंद सरस्वती के लिए श्रद्धा ना हो। और भाइयों बहनों, मैंने देखा है इतने वर्षों के बाद भी संस्कार के लिए, आदर्शों के लिए, शुचिता के लिए यहां के हमारे गरीब से गरीब परिवार के लोग हो, किसान हो, गांव के लोग हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, वे आज भी स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रति अपार श्रद्धा रखते हुए अपने जीवन की रचना करते हैं। और इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म जहां हुआ था उस गुजरात की भूमि से आकर के मुझे उस महापुरुष को स्मरण करते हुए एक रोमांच होता है, गर्व की अनुभूति होती है। मित्रों, नौजवानों, मेरी आपसे प्रार्थना है आप पुलिस के मित्रों को सहयोग करो। प्लीज मित्रों, प्लीज आप प्लीज, आपका प्यार मेरे सर से आंखों पर सलाम। भाइयों बहनों, जिस प्रकार से मेरठ में जनसंख्या बढ़ रही है, जिस प्रकार से शहर की आबादी बढ़ती चली जा रही है, हिंदुस्तान में तेज गति से बढ़ने वाले शहरों में आज मेरठ का नाम है। लेकिन भाइयों बहनों, आबादी तो बढ़ रही है, विकास नहीं हो पा रहा है, सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। इस पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिसके भरोसे
उत्तर प्रदेश की आर्थिक गतिविधि चलती है उसके प्रति भी इतनी उदासीनता बरती जा रही है। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये हाल होगा तो उत्तर प्रदेश के और इलाकों की बर्बादी कैसी करके रखी होगी, इसका आप अंदाज कर सकते हो भाइयों बहनों। मैं मेरठ के लोगों से पूछता हूं भाइयों, आपको 24 घंटे बिजली मिलती है? मां बीमार हो, पंखा चलाना हो, बिजली आती है? बेटे को एग्जाम हो, रात को पढ़ना हो, बिजली आती है? आप मुझे बताइए भैया, अगर आपको ये बिजली भी नहीं दे पाते हैं, इतने सालों के बाद एक कुछ दे पाएंगे क्या? मित्रों, उत्तर प्रदेश में बिजली जाना ये समाचार नहीं है, बिजली आती है तो समाचार बन जाते हैं। बस में, ट्रेन में लोग चर्चा करते हैं कि भाई तुम्हारे यहां आई थी, तो दूसरा कहता नहीं यार पिछले हफ्ते तो बिल्कुल नहीं आई, तो दूसरा कहता है यार हमारी यहां मंगल को 2 घंटे के लिए आई थी, तो फिर कोई कहता है यार हमारे यहां कभी कभी शाम को एक आध बार आ जाती है लेकिन कहीं दिखती नहीं है। उत्तर प्रदेश में बिजली जाना ये खबर नहीं है, बिजली आना ये खबर बन जाती है। मित्रों, ये हाल इन्होंने करके रखा हुआ। जब हम लोगों को कहते हैं कि गुजरात में 24 घंटे बिजली मिलती है, 365 दिन मिलती है, तो लोग हमें पूछते हैं हफ्ते में कितने दिन मिलती है। मैं समझाता हूं 365 दिन मिलती है, उनके गले नहीं उतरता है, क्योंकि देश का इन्होंने हाल ऐसा करके रखा है कि किसी को भरोसा ही नहीं होता है कि विकास हो सकता है। भाइयों बहनों, यह देश बदला जा सकता है, यह देश में विकास हो सकता है, यह देश में नौजवानों को रोजगार मिल सकता है, लेकिन वो वादों से नहीं होता है, इरादों से होता है दोस्तों, इरादों से होता है। भाइयों बहनों, मेरठ ने 1857 का स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया, इसके कारण अंग्रेजों को बहुत गुस्सा था और अंग्रेजों को इतना गुस्सा रहा, अंग्रेज जब तक हिंदुस्तान में रहे वे मेरठ को दुश्मन की नजर से ही देखते रहे। सारे देश में रेलवे का विकास हुआ लेकिन मेरठ के इलाकों को जैसी चाहिए वैसी सुविधाएं अंग्रेज देने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उनको वो गुस्सा था। लेकिन भाइयों बहनों, अंग्रेजों को तो मेरठ के लिए गुस्सा हो, लेकिन आजाद हिंदुस्तान की सरकार को वो कौन सा गुस्सा है कि मेरठ को अच्छे रास्ते न मिले, मेरठ को अच्छी रेलवे न मिले, मेरठ को एयरपोर्ट न मिले। ऐसा तो क्या गुनाह है मेरठ का कि उसको यह सुविधा न मिले। और केंद्र में मंत्री भी आप ही के इलाके के होने के बावजूद भी आपको एयरपोर्ट नहीं मिल रहा है।
यहां मेरठ और दिल्ली के बीच एक्सप्रेस हाईवे नहीं हो सकता है। अटल जी ने सपना देखा था, 99 में योजना बनी थी एक्सप्रेस हाईवे की, लेकिन यूपीए सरकार आने के बाद और ये सपा बसपा के झगड़ों के कारण आज मेरठ को विकास की ओर लाभ नहीं मिल रहा है। और इसलिए भाइयों बहनों, ऐसी सरकार जिसके पास विकास का दर्शन न हो, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति हो, उनसे भला क्या होगा। भाइयों बहनों, आज जब उत्तर प्रदेश में गन्ने के किसानों की हाल देखते हैं तो भाइयों बहनों बहुत ही चिंता होती है। क्या हाल करके रखा है गन्ने के किसानों का? 60 लाख से ज्यादा गन्ने के किसान पेट भर खाना खाने तक की कमाई नहीं कर पा रहे हैं। चीनी मिले पैसे नहीं दे रही हैं। चीनी मिलों में न गन्ने पहुंच रहे हैं, न चीनी मिले काम कर रही हैं। किसानों के ये हाल देख करके लगता है काश काश आज चौधरी चरण सिंह जी होते, महेंद्र टिकैत होते, तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार के नाक को दम ला देते और गन्ना पैदा करने वाले किसानों की भलाई के लिए कुछ करके दिखाते। इस देश का सौभाग्य था कि भारत को एक किसान पुत्र प्रधानमंत्री मिले थे, चौधरी चरण सिंह जी मिले थे। किसानों की भलाई के लिए उनका एक दर्शन था। लेकिन उसी उत्तर प्रदेश में राम मनोहर लोहिया को मानने वाले लोग आज किसानों के हालत के प्रति इनको रत्ती भर भी चिंता नहीं है। भाइयों बहनों, आपको हैरानी होगी, गुजरात में हमारे यहां जो चीनी के कारखाने हैं, जैसे ही विजयादशमी आती है, गन्ने की फसल तैयार हो जाती है, उसी दिन हमारे यहां चीनी के कारखाने चालू हो जाते हैं, गन्ने पहुंच जाते हैं, चीनी पैदा करने का काम शुरू हो जाता है और किसानों को पैसे मिल जाते हैं। इतना ही नहीं, हमारे यहां तो गन्ने की खेती करने वाले किसान किस खेत में से गन्ना किस चीनी के कारखाने में जाएगा वो फसल बोने से पहले तय हो जाता है, ताकि कोई ये ले न ले, किसानों के साथ कोई अन्याय नहीं कर सकता है, इसका प्रबंध करते हैं। भाइयों बहनों, क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश के किसान को उसकी गन्ने की खेती में ज्यादा पैदावार बढ़े, उत्पादन ज्यादा बढ़े, इसके लिए राज्य सरकार का इंटरवेंशन क्यों नहीं है? गुजरात में 10 साल पहले किसान जो फसल पैदा करता था गन्ने में, उसमें टिश्यू कल्चर, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ड्रिप इरिगेशन, नई नई टेक्नोलॉजी किसान को मुहैया कराई और आज उसी एक एकड़ भूमि में पहले वो जितना गन्ना पैदा करता था उससे कहीं पर डेढ़ गुना, कहीं पर दो गुना और कहीं पर ढाई गुना गन्ना पैदा करने लगा है।